दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती है। पर सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति इसे कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थनाओं का असर हो रहा है। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे संकेतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो अगर आपको महसूस होता है तो आप समझ सकते हैं कि दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इनके बारे में। पहला है अच्छा चरित्र। फ्रेंड्स, शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त। फ्रेंड्स, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है फ्रेंड्स जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है या वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है, यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तीसरा संकेत है फ्रेंड्स, सपने में देव दर्शन। दोस्तों, यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान है। चौथा है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको इसका पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। पांचवा है पारिवारिक प्रेम। दोस्तों, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं या वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। छठा है भाग्य से भी तेज। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है, आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही है। सातवां है सुगंधित वातावरण का एहसास। फ्रेंड्स, यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। आठवां संकेत है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। नौवां संकेत है ठंडी हवा का घेरा। दोस्तों, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा असर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दसवां संकेत है रोशनी का पुंज। फ्रेंड्स, अगर आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है फ्रेंड्स जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। और 11वां संकेत है किसी की आवाज सुनाई देना।
फ्रेंड्स, अगर आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है लेकिन आवाज तो अस्पष्ट थी, ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो दोस्तों, यह थे हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 11 ऐसे संकेत जिनका आभास होने पर आप समझ सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।